साथियों नमस्कार। आपको सीधा तस्वीरें इस समय हम कुरुक्षेत्र से दिखा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सीधा तस्वीरों में कि आजादी पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बड़े सम्मान के साथ विधायक सुभाष सुधा, सांसद नायब सैनी और हर भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता और नेता एक सम्मान दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। साथियों आप सबसे एक अपील की जाती है कि घर घर तिरंगा तो पहुंचा लेकिन उसका सम्मान हम भूल गए। साथियों आप लोगों से अपील की जाती है स्वतंत्रता दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए तिरंगे का सम्मान जरूर करें। आज भी हम देख सकते हैं कि जिन घरों पर तिरंगा लगा है फटे हाल है और बहुत ही बदतर हालत में हम हमेशा न्यूज कवर करते रहते हैं। साथियों जो भी तिरंगा लगाए उसका सम्मान करें, उसका ध्यान रखें। कप्तान भाई रवि बताल जी भी हमारे मध्य में और समस्त मंडल अध्यक्ष हमारे मध्य में। देखिए आज कितना बड़ा बच्चों में युवा में देश के प्रति प्रेम है। आज किस प्रकार से युवा सड़कों पे आया हुआ है, किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र के मार्गदर्शन में आज गंगा यात्रा निकाली जा रही है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में आज गंगा यात्रा निकाली और मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि वाशर दीक्षा जो 1947 में 10 लाख शहीद हुए थे उनकी याद में जिस प्रकार से हमने 2006 से कार्यक्रम बनाया था। आज प्रधानमंत्री जी ने जैसा लाल किले से कहा था कि हम वाशर दीक्षा बनाएंगे, पिछली बार मेरे क्षेत्र के अंदर वाशर दीक्षा बनाई थी, 50,000 लोग आए थे। अब की बार फतियाबाद के अंदर हम वाशर दीक्षा बना रहे हैं। मैं लगातार 5-7 दिन से वहीं पे हूँ, मैं देख रहा हूँ सारा। तो आज प्रधानमंत्री जी का ये भी धन्यवाद जिस प्रकार से उन्होंने कहा अब स्कूलों में भी वाशर दीक्षा बनाई जाएगी। देश के प्रति प्यार आज बच्चों में दिख रहा है, कितना ज्यादा गंगा यात्रा पूरा शहर आज के बाहर है। साहिल युवा है और युवा आप लोगों के साथ काफी संख्या में यहाँ पर है, ज्यादातर युवा है। क्या संदेश है? एक संदेश है भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। आप जोर देख सकते हैं इस प्रकार सभी के सभी हमारे भाई यहाँ पर आज हम एक जिम्मेवारी के साथ, मैंने पहले भी आपने देखा होगा अपने बाइट में भी कहा है कि हम प्रयास करेंगे कोई भी बच्चा कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे किसी को परेशानी हो शहर के अंदर। लगातार जो रूट है विधायक जी के माध्यम से हर जगह प्रशासन को रूट बता दिया गया है। लगातार हम सभ्यता के अंदर एक विचारधारा के साथ और रिगार्डफुली कि हम जो हमारा तिरंगा है उसको जो पीछे बच्चा बैठा हुआ व्यक्ति है वही उसको संभालेगा और हम इस यात्रा को निकालेंगे पूरे शहर के अंदर शहीदों के सम्मान के लिए, उनके त्याग के लिए, उनके बलिदान के लिए। शहीद उधम सिंह चौक के ऊपर हम खड़े हैं, यहाँ पर हम उन्हें पुष्पांजलि करके विधायक जी हमारे सभी लोग करके और फिर उसके बाद यहाँ से उनकी यात्रा को शुरू करेंगे। साहिल जी सबसे ज्यादा युवा देखने को मिल रहे हैं, क्या कहेंगे इतने युवाओं की संख्या आपके साथ जुड़ना? अभी तो कैसे कई गाँव में ये कह रहे हमारे बाहर चले गए, कई तो बाहर से जुड़े हुए हमारे साथ सभी लोग। हाँ जी हाँ जी, अभी हम सभी आप एक बार आगे आ जाइए चौक पे, आगे चौक पे आगे। इस यात्रा को उसी क्षणों में सर्किट हाउस के साथ जो उधम सिंह चौक है वहाँ से रवाना किया जाएगा। इस यात्रा को जोश युवाओं के अंदर खासा आपको देखने को मिलेगा, जिधर भी आपकी नजर जाएगी चारों तरफ आपको युवा नजर आएंगे और युवाओं के चेहरे पे जो जोश है उत्साह है वो देखते ही बन पड़ता है यहाँ पर। और एक अपील विधायक जी ने पुत्र ने भी करी है कि तिरंगे के साथ कोई अपमान या कोई ऐसी घटना ना हो जिसके चलते कोई और अनहोनी हो, जिसके तहत सभी को इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट